दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की कार कलेक्शन और बाइक कलेक्शन के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं, बीती 15 अगस्त 2020 को महेंद्र सिंह धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। रिटायरमेंट से ठीक पहले धोनी ने अपने कार कलेक्शन में एक विंटेज कार को भी शामिल किया है, उसकी जानकारी भी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना, और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको इस चैनल पर अपलोड होने वाली टॉप सेलिंग कार पर मिल रहे डिस्काउंट और अपकमिंग कार्स की जानकारियां मिलती रहें। शुरुआत करते हैं इस वीडियो की लेटेस्ट विंटेज कार जिसको महेंद्र सिंह धोनी ने अपने कार कलेक्शन में शामिल किया है। इस कार का नाम है पॉन्टियक फायरबर्ड। पॉन्टियक फायरबर्ड की ये सीरीज तकरीबन 53 साल पुरानी सीरीज है। ये एक विंटेज कार है, इसमें 4-speed म्यूनिक ट्रांसमिशन दिया गया है। ये एक 2-door कार है जो V8 बिग ब्लॉक इंजन के साथ आती है। इस गाड़ी की एग्जैक्ट कीमत का पता तो नहीं है, लेकिन इस गाड़ी के जैसी मॉडल की एक गाड़ी को पिछले साल नवंबर में एक ऑक्शन के दौरान एक शख्स ने 68,50,000 रुपए के आसपास खरीदा था। तो उस हिसाब से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये गाड़ी भी 68 से 69 लाख रुपए के बीच में स्टैंड करती है। बढ़ते हैं अगली गाड़ी की तरफ, ऑडी की Q7। महेंद्र सिंह धोनी के पास जो ऑडी Q7 है वो ओल्ड मॉडल है और उसको अब डिसकंटिन्यू किया जा चुका है। ऑडी Q7 दिसंबर में लॉन्च की जाएगी, और जो महेंद्र सिंह धोनी के पास है, जब वो आती थी तो 4,134 सीसी के इंजन के साथ आती थी। ये इंजन 335.2 bhp की पावर जनरेट करता था। इसका माइलेज 14.75 kmpl क्लेम किया जाता था। इसकी कीमत 55 लाख से शुरू होकर के 87,70,000 रुपये तक शोरूम प्राइस जाती थी। इसके अलावा महेंद्र सिंह धोनी के कार कलेक्शन में हमर S2 SUV भी शामिल है, जो 3700 सीसी के इंजन के साथ आती है। ये इंजन 393 bhp की पावर और 563 nm का टॉर्क जनरेट करता है। इस गाड़ी का माइलेज 5.1 kmpl क्लेम किया जाता है। इस गाड़ी की दिल्ली एक्स शोरूम प्राइस तकरीबन 75 लाख रुपए के आसपास है। अगली गाड़ी है मित्सुबिशी पजेरो SFX और आउटलैंडर। मित्सुबिशी की दोनों गाड़ियां महेंद्र सिंह धोनी के कलेक्शन में शामिल है। पजेरो SFX 2.8 जिसको डिसकंटिन्यू किया जा चुका है, उसकी कीमत तकरीबन 22 लाख रुपए थी। 2835 सीसी के इंजन के साथ आती थी, 118 bhp की पावर और 292 nm का टॉर्क के साथ। इसके अलावा अगली कार है मित्सुबिशी की आउटलैंडर, जो 26,93,000 रुपए दिल्ली एक्स शोरूम प्राइस पे आती है। 2360 सीसी का इंजन मिल जाता है, जो 164 bhp की पावर जनरेट करता है। इस गाड़ी का माइलेज 10.2 kmpl क्लेम किया जाता है। इसके अलावा महेंद्र सिंह धोनी के कार कलेक्शन में महिंद्रा स्कॉर्पियो भी शामिल है। महेंद्र सिंह धोनी के कार कलेक्शन में अगली गाड़ी है लैंड रोवर फ्रीलैंडर 2। इस गाड़ी की दिल्ली एक्स शोरूम प्राइस 34,94,000 से शुरू होकर के 37,86,000 रुपए तक जाती है। इस गाड़ी को डिसकंटिन्यू किया जा चुका है, और इस गाड़ी में आपको 2169 सीसी का इंजन मिल जाता है, जो 187.74 bhp की पावर जनरेट करता है। इस गाड़ी का माइलेज 12.39 kmpl तक क्लेम किया जाता है। अगली गाड़ी है फेरारी 599 GTB। इस गाड़ी की दिल्ली एक्स शोरूम प्राइस 1.38 करोड़ से शुरू होकर के 3.57 करोड़ रुपए तक जाती है। ये मॉडल भी एक्सपायर हो चुका है। इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करें, जब ये गाड़ी मार्केट में बिकती थी तो इसमें 5,999 सीसी का इंजन मिल जाता था, जो 611.5 bhp की पावर जनरेट करता था। इस गाड़ी का माइलेज 9 kmpl क्लेम किया जाता था। महेंद्र सिंह धोनी के कार कलेक्शन में रोल्स रॉयस सिल्वर शैडो सीरीज 1 की एक रोल्स रॉयस भी शामिल है, जो कि अब ऑक्शन में तकरीबन $30,000 के आसपास मिलती है। महेंद्र सिंह धोनी के कार कलेक्शन में एक जीप ग्रैंड शेरोकी ट्रैक हॉक भी शामिल है। इस गाड़ी में 6.2 लीटर का V8 हेलकैट इंजन मिल जाता है, जो 707 bhp की पावर और 875 nm का टॉर्क जनरेट करता है। ये गाड़ी 0 से 100 3.5 सेकंड में पहुंच जाती है। अमेरिका में जीप ग्रैंड शेरोकी ट्रैकहॉक की कीमत तकरीबन $85,000 है, यानी इंडिया के तकरीबन 63,75,000 रुपए। महेंद्र सिंह धोनी के कार कलेक्शन में मर्सिडीज बैंस की GLE भी शामिल है, जिसकी एक्सशोरूम प्राइस 73,70,000 रुपए से शुरू होकर के 1,25,00,000 रुपए तक जाती है। इस गाड़ी में 2,999 सीसी का इंजन मिल जाता है, जो 362 bhp की पावर देता है। इस गाड़ी का माइलेज 9.7 kmpl क्लेम किया जाता है। महेंद्र सिंह धोनी के कार कलेक्शन में एक जोंगा ट्रक भी शामिल है। निसान 4W73 का नाम है इसका, और जोंगा 1 टन भी इसको कहा जाता है। इस ट्रक की प्राइस तकरीबन 7 लाख रुपए है बिना मॉडिफिकेशन के, और मॉडिफिकेशन कराने के बाद 7 से 12 लाख रुपए तक का ये पड़ जाता है। इंडियन आर्मी के द्वारा भी इस जोंगा ट्रक को यूज किया जाता है। इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसमें 6-सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिल जाता है 3,956 सीसी का, जो 110 एचपी की पावर जनरेट करता है। ये तो हो गया महेंद्र सिंह धोनी का कार कलेक्शन। बाइक कलेक्शन की बात करें तो महेंद्र सिंह धोनी के पास कावासाकी निंजा S2 है, जिसमें 998 सीसी का इंजन मिलता है, जो 310 PS की पावर जनरेट करता है, 165 nm का टॉर्क।
इसकी एक्शोरूम प्राइस शुरू होती है 34,99,000 से और 75,80,000 रुपए तक जाती है। इसके अलावा दूसरी गाड़ी जो महेंद्र सिंह धोनी के बाइक कलेक्शन में शामिल है, कावासाकी निंजा ZX 14R, इस गाड़ी की एक्शोरूम प्राइस 19,70,000 रुपए है। इस गाड़ी में 1441 सीसी का इंजन मिल जाता है जो 200 पीएस की पावर जनरेट करता है, 158.2 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। इसके अलावा महेंद्र सिंह धोनी के बाइक कलेक्शन में कन्फेडरेट X132 हेलकैट स्पीडस्टर भी शामिल है। इस बाइक में 2163 सीसी का इंजन मिल जाता है जो 121 BHP की पावर जनरेट करता है। इस गाड़ी की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत तकरीबन $55,000 से $65,000 है, यानी इंडिया के तकरीबन 40 लाख रुपए, और इंडिया में अगर इस गाड़ी को एक्सपोर्ट किया जाता है तो इसकी कीमत तकरीबन 70 लाख रुपए के आसपास हो जाती है। इसके अलावा धोनी के बाइक कलेक्शन में यामाहा RD 350, राजदूत, TVS अपाचे RTR FX, सुजुकी शोगुन, डुकाती 1098, हार्ले डेविडसन फैट बॉय और BSA गोल्ड स्टार शामिल हैं। BSA गोल्ड स्टार 1950s की फास्टेस्ट बाइक में से एक है। इसके अलावा उनके गाड़ियों के कलेक्शन में महिंद्रा स्वराज का 963 FE ट्रैक्टर भी शामिल है जिसको वो अपने फार्म हाउस पे इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, ये था महेंद्र सिंह धोनी का कार और बाइक कलेक्शन। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।